मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान में उद्यान समिति ए पोईसर जिमखाना द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बाल कृष्ण अगाई गीत पालना गीत कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 25 महिलाओं ने 13 भाषाओं में पालना गीत गाया। इस दौरान उपस्थित रहे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने उद्यान के अध्यक्ष नितिन प्रधान, प्रबंधक अजय राज पुरोहित का धन्यवाद दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी ने महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर उनके मनोबल को बढ़ाया है। इस दौरान कार्यक्रम में एक ही बहुत खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिल रहा था कि महिलाओं ने भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर जो पालना गीत 13 भाषाओं में गाया, इस दौरान उपस्थित लोग भी काफ़ी प्रसन्न नजर आए। सांसद गोपाल शेट्टी का कहना है कि इस तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी आस्था को आगे इस तरह से बढ़ता रहे, यही देखना चाहता हूँ और आगे चलकर वह कई बड़े फैसले भी इस पर ले सकते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा सांसद गोपाल शेट्टी ने, देखिए मुंबई की यह खास रिपोर्ट। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जब वीर सावरकर जी का फोटो उनके घर पे जाएगा तो उनको अगले साल तक के भी ये कार्यक्रम याद रहेगा। सारे आजू बाजू के लोग आके पूछेंगे तो वो भी जुड़ेंगे अगले साल में। मेरा ये इच्छा है कि ये बड़ा कार्यक्रम हो और मैंने अभी कहा कि अगले साल कृष्ण जन्म होने के पहले 6 बजे शाम को कार्यक्रम शुरू करो। एक 5-6 घंटा का कार्यक्रम चलेगा, 6 बजे करो या 9 बजे करो, 9 से 12 तक भी होता है, 3 घंटे में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। तो अगले साल हम इसी जगह पर जन्माष्टमी के पहले ये कार्यक्रम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं 1991 में नगर सेवक बनने के पहले जिस बस्ती में मैं रहता था वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। मराठी लोगों की ये बस्ती है और वहाँ पर पहला जो कृष्ण भगवान का जन्म होने के बाद में मराठी भाषा में पालना गाया जाता है, वो पालना मैंने पहली बार सुना और 32 साल मैं लगातार सुन रहा था। लेकिन परसों जब जन्माष्टमी हुआ तो नई पीढ़ी आज जुड़ नहीं सकी और पालना गाने वाला कोई नहीं था। और फिर बहुत एक एजड बहन हमारे आई और उन्होंने 1-2 लाइन गाया तो मुझे मन में बड़ा पीड़ा हो गया कि क्या होगा आगे करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी आवाज़ को सुनी और नितिन प्रधान जो हमारे वीर सावरकर के अध्यक्ष, अजय राज पुरोहित, श्रीधर साठे, इन सारे लोगों ने मिलकर एक बहुत ही नया कल्पना मन में लाया और सभी भाषा में लगभग मराठी, गुजराती, केरला, कर्नाटक, गढ़वाली भाषा में, यानी देश के सभी भाषा में जन्माष्टमी का जो पालना का गीत होता है वो गाया। कितने लोगों ने गाया टूर में? 25 लोगों ने ये गीत गाया, 13 भाषा में गाया। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बैठे बैठे चिंता इस बात का कर रहा था एक कार्यक्रम होने का। एक प्रसन्नता मन में था लेकिन थोड़ा चिंता भी था क्योंकि जितने लोगों ने भी गाया वो अबाव 50 के लोग थे। तो मैंने कहा कि ये नए बच्चे इसमें जुड़ना चाहिए तो उस कमी को भी भक्ति तिवारी आई और लास्ट में उन्होंने गाया तो मैं टोटलिटी में एक पैकेज पूरा हो गया। मैं भक्ति से निवेदन करूंगा, हमारी रुस्तम जी एक केरल की टीचर थी, उन्होंने गाया और वो डांसर भी है ऐसा पता चला अभी। तो मैं मानता हूँ कि ये शानदार जगह है, इसका उपयोग करके हमारे नए बच्चों को हम कैसे कल्चर के साथ में जोड़े उसके लिए एक प्रयास होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और होगा। और होगा ये इसलिए मैं कहता हूँ, अजय राज जी से मैं पूछा कि ये कृष्ण भगवान का जो काल है वो कितने साल हो गए, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 6,000 साल हो गए। तो 6,000 साल से परंपरा चली आई है। उन दिनों में ना तो टेलीफोन होगा, मोबाइल, ये तो अभी ये सब आया 21वीं शताब्दी में। तो उन दिनों में भी अगर ये पूरे देश में परंपरा कहो या तो सिलसिला चला था तो ये आने वाले कितने हजारों साल तक ये चलना है। और टेक्निक और टेक्नोलॉजी के दुनिया में मैं मानता हूँ कि हमारे यंग जनरेशन, नई पीढ़ी को हमको इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा और ये जुड़ेगा। ये सब परमात्मा ही करते हैं, हम सब लोगों ने अपना योगदान देना है और सब ने इसका योगदान दे आने वाले दिनों में, यही भावना प्रकट करता हूँ।